राम राम जी, तो पिछली बार जो काम करवाना हम भिवानी गए थे वो हमारा रह गया था अधूरा, तो इस बार दोबारा तो जाना पड़ेगा। क्यों कर के गई हो तो आपने आगे व्लॉग में बेरा पटे जाएगा। सवेरे उठे तो आज छुट्टी के मूड में उठे थे। हमारे छोटले मोहित ने कल डिमांड करी थी कि आलू के पराठे खाने हैं, देखा तो आलू एक उन बचे पाए। मोहित चाल पड़ा सवेरे सवेरे आलू लेने खातर। दो दिन तो मौसम खासा खराब हो रहा है, तारे किसा मौसम हो रहा है कमेंट करके जरूर बता दियो। प्रेस के कपड़े भी धरे थे इस भाई का, वह भी याद आगे रास्ते मांदे आंदे तो प्रेस के कपड़े लेने पहुंच जाए। हाड़े कपड़े की गठड़ी धर ली स्कूटी पर चाल पड़ा, लेकिन किस्मत न्यू खराब हुआ फाटक बंद पाई से गम आड़े खड़े रहना पड़ा। 7 बजे जमा चोटी में आ जाए आजकल तो सूर्य देवता। फाटक भी के बंद हुई ट्रेन जमा दोनों फाटक के बीच में आके बंद हो गई, ना चालन का नाम ले रही। अंदर आले यात्री भी परेशान और बाहर आले लोग भी परेशान। आधे तो अपनी स्कूटी मोड़ की उल्टे चाल पड़े और कोई राट होवांगे बोले। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद यह ट्रेन कीड़ी की स्पीड से चाल पड़ी। हमने भी इंतजार कर दिया ना बहुत बार होली, मगर सब्जी लेने गया था खेत में तो तोड़ के लियागा। घर ने पहुंच जाए है मोहित कपड़े और आलू लेके। आलू आंदी है उबलने टेक दिए, बाकी थोड़ा डर भी लगा था सवेरे सवेरे पराठे खाने में, भाई सारा दिन पेट में जलन लगेगी। लेकिन यह जीव है या मन दी कोनी किसी की। आलू उबल की रेडी हो गए थे 10 मिनट में, इस बड़े पानी में काट लिए हैं और फिर कूलर आगे खड़ा होना पड़ा इन तीसीले करने खातर, ना तो ये सांस तीसीले कोनी होवे थे। आलू का मसाला तैयार हो गया था, आटा भी बना के धर दिया था और इतने गजब आलू के पराठे खुआए हैं आज बस मैं के बताऊं। बाकी अपना हरियाणा में आलू के पराठे तो ज्यादा फेमस है, 3 कूणे पराठे। स्कूल में भी हमारी माँ तो एक आधी वर्गा लिया कर दी, हमने न्यू ड्राई रखा कर दी। एक मेरे ताऊ जी थे वो डॉक्टर थे, जब भी हम पराठे मांगते न्यू कहने ना तेरे ताऊ ने नाट रखी है पराठे नहीं खाने चाहिए। तो वह आदत है कि सवेरे ब्रेकफास्ट में हम खाया एक उनकरा कदे। ईब भी 1.5 महीने बाद हमने आलू के पराठे खाए हैं सुबह। मोहित का मुंह देख के न्यू कौन लगता कि जो निरे पराठे खान का है, इसका मुंह पर खुशी न्यारी है जल गई थी। मैं तैयार होगी चाल पड़ी क्लिनिक का नहीं। वैसे तो आज कोई मूड नहीं था क्लिनिक जान का, हम सोचा थे सवेरे ही निकल लेंगे भिवानी खातर, लेकिन इतनी देर में संदीप का फोन आ जाए, बोला जी स्किन का ट्रीटमेंट करवाना है, बहुत दूर तो आ रहे हैं। पहले भी मैंने व्लॉग में बताई है कि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स करवा लिया करो अगर आपने कोई स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना है तो अपना क्लिनिक निपटा दिया और आ जाऊं मैं घर 2-2.5 बजे के आसपास। हमारे छोटले मोहित ने डिमांड कर दी कि मैं आलू के पराठे और अचार गलत चाय जरूर पीऊंगा। मखाइया है तो चोटी में ले जाएगी तेरी एसिडिटी ने, बोला चाहे आज की मैं हो जियो मैं यो खाऊंगा। इस खातर बना दी चाय और फिर मैं लागी अपना सामान पैक करन। सामान तो के है 2 जोड़ी कपड़े गाले हैं, तड़का उल्टा आना है, पुच्ची ती प्या दिया थोड़ा सा दूध क्योंकि उड़ जाके बड़े नखरे करे है, नई जगह ले जाओ इसने क्या है का मुंह कौन लगावे। एक बार तो गाड़ी में जाके बैठे जब न्यू लागा जानू तय की नीचे पड़ जाएगा शरीर, इतनी बुंडी उबलती पावे है। गाड़ी में तेल पानी गलवा लिया, आगे चाल पड़े, फिर ध्यान आया कि पिछली बार भी फास्ट टैग कौन था, डबल पर्ची कटवानी पड़ी थी। कुंडरी पहुंचे थे, मखा पहले आइसक्रीम खा लें और देखी जाएगी। आड़े तो मोहित ने एक ब्रिक ले ली, वो कहावत सुनी है ना, कह तो बावड़ा चल रहे को नहीं, चल रहे तो डटे को नहीं। मन्ने न्यू कही थी चोको चिप्स का एक कप लिया, कप तो पाया को नहीं, बोला मैं ब्रिक ने 2 हिस्से में कटवा ले आया। अपनी आइसक्रीम खा ली और फास्ट टैग आला भाई दौरे पहुंच गई, या झोपड़ी सी गाल रखी आर्डर, इसमें कोई नहीं पाया। मखा ले भाई काले फिर डबल कटवाना पड़ेगा। आर्डर खड़े होकर इनका नंबर पे फोन करा, जब दूर तो एक भाई आंदा दिखा, इतने तो मोहित ने 2-3 फोन मिला लिए थे, बोला भाई हमने तो आज फास्ट टैग बनवाना है बनवाना। न्यू तो इन भाइया ने लिख रखा है कि 5 मिनट में फास्ट टैग बनवाए, लेकिन हमने आड़े 1.25 घंटा लग गया कि मैं तो वो पहला डाबी मारा एक्टिवेट था वो डिलीट करवाना था और नया बनवाना था, तो भाई बहुत टाइम लग गया आड़े। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊं थी तो पुच्ची बड़ी ललचाई निगाहें तो मेरे का नहीं देखा था, वहां पुच्ची तन्ने भी खुआऊंगी। वैसे आइसक्रीम और चॉकलेट कुत्ते खतर अच्छी को नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी तो चटानी पड़ेगी। फाइनली 1.25 घंटे में हमारा फास्ट टैग बन की तैयार हो गया था, हम आगे चाल पड़े। इस एक्सप्रेस वे पर जब भी आवा कोई ना कोई एक्सीडेंट तो जरूर होया पाया करे। हमारी प्यारी माता श्री के कई फोन आ लिए थे कि कड़े सी पहुंच गए, तम तो न्यू को थे तड़के आ जाएंगे, तमने तो सांझ कर दिया डे, मखा पेशेंट देखने लागे थे तो शाम ने पहुंचांगे 6 बजे के आसपास। हम तो एक्सप्रेस वे तो नीचे उतरे यार, इतनी देर में छोटी छोटी बूंद आने लगी, मखा राम जी एक बार करडा बरस जाए तो कि मैं गर्मी है ना कम हो जा। माता श्री का दोबारा फोन आ लिया था कि जूई चालना है, अपने मामा कहे उड़ा कुछ काम है, थोड़ी सी भाई का चोट भी लागी, एक स्विमिंग पूल बनाया था उसमें थोड़ा सा गोड्डे पे चोट लाग रही है, उसे फेट के आना है। हमारी अनाज मंडी में एक दुकान है जिसपे बहुत स्वाद से समोसे मिले अगर, और मोहित ने समोसा का नहीं देख दिए मेरे ती कह दी आज तो ये लेके चालूंगा मखा, इसी गर्मी में तड़के आलू के पराठे री आलू के समोसे करा की पहुंच जावा घर ने। मम्मी मारी बाट देख दी पावा अपना पर्स ठाई, और मेरी दादी और मम्मी भी बड़े यूनिक से पर्स रखे अगर, दादी ने बिठा लिया गाड़ी में, उसके बाद कुछ मटके लेके जाने थे वह धर लिया डिग्गी में। मम्मी का कसूती चिंता हो रही थी, बोली इन न्यू सेट कर दो कि आंखड़िया मार लेनी, मसा से ये मटके सेट करे हैं, एक आगे गोड्डे में धर की बैठ गए और आगे का सफर
कर दिया शुरू। पुच्ची ने तो दादी के गोडे इतने प्यारे लागे हैं, इनने पर ठोडी टेक की बैठे है। दादी भी इसने सुवारी है, कह तो न्यू कहा अगर कुत्ते तो मैंने गिलानी आवे जमा नहीं ठावे इस नाड़ते हैं। 20-25 मिनट का सफर के बाद हम पहुंच जावा हमारे घर ने और हमारी प्यारी बेटी टुनू आ गई इंतजार करने लाग रही थी हमारा। छोटी बेटी डुगू भी आ जाए इतनी देर में, लेकिन उसने थोड़ा पुच्ची में ज्यादा इंटरेस्ट था। पहले पुच्ची ने ढूंढ दी हांडी है कड़े गया, उसके बाद उसने बुला के लिया है पुच्ची के आड़ान दिए भाई खुले डंके हो जाए डटे को। इसने भी इसका दोस्त बुग्गू मिल जाए हड़ है, उसके गले मिलकी को सुती दमा चौकड़ी मचावे है। सारे खेत में हंड है बाजे है खोदे है बेरा कौन के करया है। भीतर गए तो भाभी बनान लाग रही थी डिनर, भाई जल्दी खा लिया करे, नाना ने जल्दी रोटी खाने की आदत है और बाकी बालका ने भी जल्दी ये भूख लाग गया। रोटी तो बने चुकी थी, भाभी ने गैस बंद कर दिया और फिर बनान लागी नींबू पानी पुदीना गेर की। कौन कौन पुदीना वाला पानी पिया करे, इसका टेस्ट जमा गन्ने का जूस जैसा आया करे। किस किस ने पी रखा है यो कमेंट करके जरूर बता दियो। आड़े तो घी भी लेके जाना था, गाय का घी होया करे एक टीन भरवा रखी है मम्मी ने। मखा मम्मी तू न्यू कहती मैंने छोड़ दिया घी, बोली मन्ने छोड़ा घर में बाकी लोग भी तो है। घी जमा तह रहा था जमया को यो, इतनी बुंडी गर्मी हो रही है कि मैं लाइट कमावा इसका ऊपर क्या थैली लगाई है कदे यो छलक जा रास्ते में। यार हमारी छोटली बेटी डुगू का मूड खराब हो जाए हमने जानदे देख। हमारी टुन्नू तो थोड़ी बड़ी होगी राजी राजी बाय कर दे है, लेकिन डुगू का सुत्ता भी गन करे अगर बाय कर दिया कहेगी मन गले लेके चलो चाल पड़ा वापस लगभग 8 बजे दौर है रिश्तेदारी होने का यो कसुत्ता फायदा है। 2 घंटे हम अपने घर उल्टे आ लिए। पिताश्री हमारी बाट देखने लग रहे थे और पिताश्री ने भी आजकल पुच्ची तो खासा लगा हो रहा है, मार तक कम बोलेंगे इस तक लगाना माथा मारेंगे। भोजन मम्मी बना के जा रही थी, आम काट रखे थे, आम भी बहुत मीठे आ रहे हैं लेकिन खांदे हैं सीधे हैं बेरा कोनी के दिक्कत हो रही है। साथ में बना रखा था चूरमा टिंडी घी रोटी चटनी तोरी की सब्जी, भाई जी सा आ जाए खा की। माता श्री ने भी खाए हैं 1 कटोरी आम, तो जीसे के साथ हमारा आज का दिन खत्म हो जाए। जयराम जी की कल मिलते हैं एक बढ़िया से व्लॉग के साथ, व्लॉग ने शेयर जरूर कर दिया करो, कल मिलेंगे।